गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है 6:50 और आज थोड़ा जल्दी हो गई क्योंकि एकदम से नींद खुल गई। फिर थोड़ा सा स्टमक एक भी हो रहा था तो नींद खुली गई। फिर मैं सोचा उठ ही जाते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो ली। और अभी थोड़ी देर में खाने वाने की तैयारी जो भी होगी, पापा गए कि तो उनके लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। और थोड़ा घर में नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पता नहीं नेट में क्या हो रहा है, इतनी जल्दी इतना डाटा यूज़ हो गया। शायद मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा उसकी बन रही है या फिर पता नहीं क्या, तो मैं वीडियो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको शायद वीडियो थोड़ा आगे पीछे भी आ सकती है, ज़्यादा नहीं, लाइक आधे दिन बाद, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कल ही अपलोड कर दूँगी रात को, लेकिन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं एक्सपोर्ट करने के लिए लगाऊंगी, उसके बाद पब्लिश करूंगी। और आप लोगों ने देख के बताना है आपको ब्लॉग कैसा लगा, D10 वाला जो मैंने आपको बताया था कल, क्योंकि आज है 31 जून, दैट मीन्स लास्ट डेट है इस मंथ की आज। और मई जून आ गया है और बहुत गर्मी हो रही है यार, मतलब गर्मी शुरू हो गई। अब लग रहा है पूरा जून गर्मी में बीतेगा। फिर अच्छा तो जून में ना कहीं बाहर घूमने चले जाना चाहिए, कोई ठंडी जगह। तो आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बना दिया है, क्या क्या बना लिया है। अभी तो यहाँ बन रही है आलू बीन्स, थोड़ी सी ही बनाई है मैंने क्योंकि पापा के लिए ही बनाई है और अपने लिए बनाई है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और यहाँ मैंने वरुण की बना दी है सब्जी, जो कि ये कैप्सिकम वगैरह, रेड कैप्सिकम जो होता है, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, और उसमें कैरेट मिला देते हैं, प्लस ब्रोकली भी ऐड करते हैं। लेकिन आजकल ये जो वेदर है, इस सीज़न में ब्रोकली नहीं मिल रही है। तो वरुण का तो रूटीन है, जो उसने खाना है वो डेली उसका एक स्केड्यूल बन जाता है कि वो चीज़ें जो है खानी होती है। हमसे नहीं हो पाता, हम टिक नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँगी। मतलब मैंने भी 4-5 महीने जब तक मैं जिम कर रही थी, और शायद दोबारा ज्वाइन करूँ बाद में, अभी देखते हैं, अभी उसका भी पक्का नहीं है, क्योंकि मैं सोचा यार थोड़ा वॉक करके ही ट्राई किया जाए कि क्या फ़ायदा होता है। पर ठीक है, वॉक करके भी सही है, एक बॉडी में एक एक्टिविटी रहती है, एक फिज़िकल एक्टिविटी रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कुछ नहीं, बॉटल वगैरह भर रही हूँ मैं पानी की। या कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्रिज ना कितना भी बड़ा ले लो, जैसा भी ले लो, लेकिन ना जगह कम पड़ जाती है। हमारा तो मीडियम साइज़ है, फिर भी जगह अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जगह की, कि बॉटल कौन सी बाहर निकाले, कौन सी अंदर रखे। देखिए पूरा फुल भरा हुआ है अभी भी यहाँ पर, और समझ ही नहीं आता आज। मैं पहले सोच रही थी कि आज स्पेगेटी बनाऊं दीपी के लिए, देखते हैं क्या बनता है। वैसे तो शाम को टाइम होता है मेरे पास, ये लोग जब चले जाते काम करके, इतनी जल्दी नहीं, मतलब 5-6 बजे के करीब में, फिर भी मैं बनाऊं उस टाइम पे। तो देखती हूँ, अगर होगी नीचे पड़ी हुई तो बनाऊँगी ज़रूर, और आप लोगों से भी शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी कपड़े क्लीन कर दूँ, कपड़े वगैरह तो फिर भी सिस्टमेटिक वे में लगे हुए हैं अच्छी तरह, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ही थी मैंने। नीचे जो मेरे ये हील्स वगैरह है, बेलीज है, शूज़ है, ये सब मैं सोच रही थी एक बार अच्छी तरह कर दूँ, क्योंकि वरुण के भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो कभी पीछे चले जाते हैं या कभी आगे की तरफ को रहते हैं, तो मुझे भी नहीं मिलते बहुत सारे मेरे है। तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आपको बातों बातों में मैं दिखा भी देती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास।
मैंने कैमरा नीचे कर लिया, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मेरे डेली बेसिस पे है. जैसे मैं ये अपने बाटा के पहनती हूँ डेली बेसिस पे, ज़्यादा हील्स वगैरह नहीं चाहिए होती, फ्लैट्स चाहिए होती है, प्लस इसमें कुशन बहुत अच्छा है. तो एक ये वाला पेयर है, एक और बाटा का पेयर है वो मैंने अपना वहीं दूसरे रैक में रखा हुआ है. ये भी डेली बेसिस के ही है, ये भी मैं डेली बेसिस में ही पहनती हूँ. और आपको दिखाती हूँ, और जैसे कुछ एथनिक वेयर पहनना होता है तो उसके साथ के लिए अलग पहनती हूँ. लाइक एथनिक जो है उसके लिए अलग होता है. ये मेरे हील्स है, ये मेरे शादी के टाइम के हैं, ये वरुण ने मुझे दिलाए थे, और हार्डली मैंने ये 2 या 3 बार ही पहने हुए, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं पहने हैं. तो ये वाला पेयर है एक मेरा, प्लस ये मेरा भाई जयपुर से लेके आया था जूतियाँ, मुझे जूतियाँ बहुत पसंद है. एक मेरे पास थी लेकिन वो ख़राब हो गई, लेकिन अच्छा हुआ दूसरा पेयर आ गया, ये टैन कलर में. और ये मेरी बेलीज है, ये तो मैं आपको सच बताऊँ इसकी कहानी, ये मैंने ले ली थी कुछ ऑफर चल रहा था बाई टू गेट वन वाला, और उसके बाद ये मैंने आज तक कभी नहीं पहनी, कभी भी. मुझे काट रही थी बहुत ज़्यादा पीछे से, तो उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं, लेकिन अब सोच रही हूँ टाइम आ गया इनको भी थोड़ा निकाला जाए और पहना जाए ये वाला पेयर. प्लस ये तो मेरी सबसे फेवरेट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी, अमृतसर गई थी, और बहुत अच्छी है ये. आगे से इसमें इतना अच्छा वर्क है, पूरा थ्रेड वर्क है, प्लस ये मिरर जो होते हैं आर्टिफिशियल मिरर नहीं होते, ये कागज़ होता है जो मिरर वाला लुक देता है, और पीछे से ओपन है. तो ये मेरा फेवरेट है, सच्ची बताऊँ तो ये भी मैंने हार्डली 1 या 2 बार ही पहनी, उसमें पहनी नहीं क्योंकि पीछे रह जाते हैं तो पता नहीं चलता है. तो इनको मैंने सबको एक ही बॉक्स में रख लिया है कि अगर अब ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से मैं निकाल लूँगी इनको. सोचा कि थोड़ा कर रही हूँ सफाई तो आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे अपनी कबर्ड दिखाइए, अपना घर दिखाइए, अपनी शादी की वीडियोस दिखाइए, बहुत कुछ बोल रहे थे. तो मैंने सोचा चलो कुछ तो मैं करूँ. उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं, जो मैं अपना वेस्टर्न के साथ पहनती हूँ. पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये है मेरे H&M के वेजेस. ये मेरे को लिए हुए 2 साल हो गए और काफ़ी अच्छे अभी तक ठीक ठाक चल रहे हैं. बस थोड़ा सा ये थ्रेड वगैरह इसका कुछ कपड़ा निकल रहा है वो करवाना पड़ेगा ठीक, बाकी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है. ये मैंने H&M से लिए थे, वरुण ने दिलाए थे. प्लस ये अभी मैंने अपने बर्थडे के आसपास लिए थे, ये कैटवॉक की. पता नहीं क्यों सोच के गई थी कि हील्स नहीं लूँगी, और हील्स ही ले ली मैंने. मैंने सोचा था हील्स बहुत कम लूँगी, लाइक इसकी लेंथ बहुत कम लूँगी ये वाली इंचेस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ले लिया. बट ये मेरे करंट फेवरेट है, कलर बहुत अच्छा है, ये पिंकिश पीचेस टाइप है, 2 शेड्स मिलके बना है. आगे बढ़ती हूँ, एक है मेरा ये पेयर, ये मैंने शादी से पहले अपने प्री वेडिंग के टाइम पे लिया था, रजौरी से लिया था ये पेयर मैंने. तो ये भी मेरा फेवरेट पेयर है, सब ले लेके मैंने अब इनका हाल, अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहना नहीं जाते तो इनको रख के भी फायदा नहीं रखना. नेक्स्ट जो है वो अगेन मेरा ये बेलीज है, ये भी मैंने रजौरी से ली थी. होता है ना जब शादी में, स्टार्टिंग में शादी के, नई नई शादी भी होती है, तो सोचते यार 1-2 पेयर्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं. और ये तो मैंने पहनी, ये मैं फिर भी कह सकती हूँ, लेकिन वही है 3 से 4 बार के बाद बिल्कुल नहीं पहनी, क्योंकि मेरा पंजा थोड़ा चौड़ा है और ये आगे से पतला है. तो कोशिश यही रहेगी कि इसको भी पहनूंगी मैं. अब आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की. अब ऐसा लगता है कि मैंने ले तो ली, लेकिन शादी के बाद मैंने बिल्कुल नहीं पहनी. मैंने पूरा पैकेज संभाल के रखी हुई है अच्छी तरह. ये लिए थे मैंने, हाँ बोल लो, हाँ खोल लो, पानी है ना, हाँ हाँ दे दो. ये जो है ये मेरे शादी के हैं, लिया था मैंने, ये करोल बाग से ली थी, सिंपल ही ली थी, पर अब ये भी मुझे बहुत गॉडी लगती है. तो ये है कि साड़ी वगैरह के साथ पहनने के लिए, हील्स ज़्यादा नहीं ली थी, इतनी ही ली थी, होगी तकरीबन ये 1.5 या 2 के करीब में तो होगी, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर मैंने ज़्यादा नहीं ली थी. तो ये शादी वाले हैं मेरे. नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ इंगेजमेंट वाले, वो तो मैंने 3 से 4 इंच वाली हील्स ले ली थी. देख के पता नहीं चलता कि चीज 3 से 4 हील्स है, लेकिन ये मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह पैक करके रखा हुआ है. ये अगेन मैंने किन्स से ली थी, रजौरी गार्डन में बहुत अच्छा शोरूम है, वहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के आपको डिज़ाइंस मिल जाते हैं. तो ये मैंने अपनी हील्स पहनी थी इंगेजमेंट के टाइम पे. मेरी ड्रेस बहुत लंबी थी और काफ़ी अच्छी प्रिटी थी, मैं आपको दिखाऊंगी अगर मेरे पास फोटो भी मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन में मेंशन करूँगी. तो ये भी मेरी इंगेजमेंट हील्स जिसे मैंने अच्छी तरह पैक कर दिया है. और मशीन चली हुई तो थोड़ी आवाज़ आ रही थी, बीच में डिस्टर्बेंस. ये मुझे वरुण ने दिया था गिफ्ट वैलेंटाइंस में, तो ये बड़े क्यूट से है, ये सर्दियों में ही पहनती हूँ, इसलिए इसको अब रखूँगी पीछे इनका,
टाइम है कि इनको भी पीछे रखा जाए क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं, हाँ ये वाले शूज़ जो है ये भी मैंने अपने लिए पैंटलूस वगैरह से लिए थे, ये भी हार्डली एक बार ही पहने, उस पर बिल्कुल भी टच नहीं किए हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ना थोड़ा लोकल ब्रांड्स कम लूँ क्योंकि वो मेरे को पैरों में बहुत काटते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने चल जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पैसे लगा रहे हो ज़्यादा तो एटलीस्ट वो चीज़ अच्छी होगी, कम्फर्टेबल, कम्फर्ट जोन देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ये आते हैं मेरे बूट, मतलब ये बूट जो है ना ये शादी से पहले मैंने लिए थे, ले तो लिए थे मैंने, और हील्स भी मेरे को दिखी थी कि इतनी है, उसके बाद जब मैं पहनने पर आई तो बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल हो गया मुझे, लेकिन अभी तक हार्डली भी मैंने एक बार ही पहने होंगे, तो इनको भी पहले देखती हूँ नहीं तो क्या करना है इनका। है अच्छे पर ही कलर थोड़ा, मेरी मम्मी मजाक बनाती है ये बैंड वालों जैसे तुमने क्यों ले लिए, तो नो डाउट कि अच्छे हैं पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इन सारे सामान को समेटती हूँ मैं, तो ये मेरा कलेक्शन था जो जो मेरे पास था, और लास्ट में मेरे ये एडिडास के शूज़ ही जो एंकल लेंथ वाले मैंने लिए, मैंने आज तक कभी एंकल लेंथ वाले नहीं लिए थे और इस बार ही ले लिए, मिंत्रा पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहे थे तो मैंने सोचा ले लिया जाए। इसको तो पहना था लेकिन आजकल गर्मी है तो आजकल अवॉइड कर रही हूँ मैं, ये तो सही है ये। चलो अभी पहले सारा समेट देती हूँ, इसके बाद फिर आप लोगों को मिलती हूँ। मैं ना अपने ये वाइट स्नीकर्स है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वाइट होते हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ पहले हल्का सा गीला कपड़ा लेके पहले उसे पोंछती हूँ, मतलब जितना भी उस पर मिट्टी लगी होती है जो भी होती है जो झड़ने वाली मिट्टी होती है वो निकल जाएगी कपड़े से। उसके बाद मैं लेती हूँ कोलगेट, कोलगेट का 3-4 ड्रॉप्स लगा देती हूँ लाइक यहाँ 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 ऐसे करके, और उसके बाद कोलगेट क्या होता है बहुत अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है, तो जो कपड़ा मेरा गीला होता है उसी तरफ से मैं इसको क्लीन करती हूँ। मेरे जूते इतने क्लीन हो गए क्योंकि वाइट शूज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और ये तो मैंने अभी ज़्यादा पहने भी नहीं थे, अंदर ही अंदर रखे रखे गंदे हो जाते हैं, तो देखिए कितने क्लीन हो गए, इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे और कितने क्लीन हो गए। तो मतलब बहुत अच्छी टेक्निक है ये कि कोलगेट की हम कोलगेट लेके और उसको अच्छी तरह क्लीन करें शूज़ को, क्योंकि यार ये वाइट वाली चीज़ें बहुत जल्दी गंदी होती है, और इवन वाइट ही नहीं, अगर आपके कोई और भी अगर है ना कोई और कलर के जैसे क्रीम कलर के मेरे पास है बेज कलर के, तो उनको भी मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ, जो नहीं निकलता है जो लगता है मुझे मिट्टी है जो डस्ट उसमें रह गया जो चिपक गया है, तो वो उसके लिए बहुत सही रहता है क्योंकि बारिश वगैरह के टाइम पर तो जूते वगैरह बहुत गंदे होते हैं, तो उस टाइम तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मेरे एकदम साफ़ हो गए और अच्छा लगता है बहुत। देखिए सही टेक्निक है ना। फाइनली मैंने नहा लिया है और बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत रिफ़्रेश लगता है नहाने के बाद। और कुर्ती जो मैंने पहनी है मुझे पता है आप में से बहुत से लोग पूछेंगे, तो मैं पहले बता दूँ ये मैंने ऑफलाइन ली थी, ये द्वारका में ही एक शोरूम है वहाँ से ली थी मैंने, तो जब भी ऑफर्स निकलते हैं तो मैं तो अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती हूँ। सारा काम हो गया फाइनली, आंटी लोग जितने भी है सब अपना काम करके चले गए और अब जाके मुझे आराम मिला है। 6:30 की मैं उठी हुई हूँ और अब 1:00 है, अब जाके मुझे थोड़ा चैन मिला, मैं आराम से बैठ पाई हूँ, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ काम में लगी हुई थी। अच्छा लग रहा है अब। मैं सोचा बिंदी लगा लेती हूँ, लोग ना बहुत ऊंची ऊंची बिंदी लगाते हैं, पता नहीं कैसे उनको शायद शौक होता होगा, मेरे को तो यहाँ बीच में एकदम सेंटर में और नीचे की तरफ को पसंद है, बहुत नीचे और बहुत ऊपर भी नहीं, नॉर्मल। और हमारे उसमें से भी हमारा जो कल्चर है, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मतलब मेरा होम टाउन है उत्तराखंड, नैनीताल से भी आगे, तो हमारे उसमें होता है कि नाक पियर्स होनी चाहिए और ये कान की पियर्सिंग होनी चाहिए, दो चीज़ें बहुत मस्ट होती है, ऑब्वियसली सिंदूर लगाना तो होता ही है मस्ट, और बिंदी ठीक है वो आप अटायर के साथ, मैं अगर जीन्स वगैरह पहनती हूँ तो उसके साथ मैं नहीं कैरी करती हूँ कभी कभी, और कुर्तीज़ वगैरह पहनती हूँ तो उनके साथ मैं कैरी कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली शौक़ भी है मुझे, बिंदी लगाने का बहुत शौक़ है। इवन अभी मेरी कज़न की शादी हुई थी तो उसमें अगर आप में से अगर कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे इंस्टाग्राम में तो उन्होंने देखा होगा, मैंने एक पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी जिसके साथ मैंने रेड कलर की बहुत बड़ी बिंदी लगाई थी, तो शौक़ है मुझे बिंदी लगाने का, लेकिन वही है कि जब कभी जीन्स टॉप पहन लो तो उसके साथ बिंदी मुझे बहुत ऑकवर्ड लगती है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ, नहीं तो जो बाकी एथनिक वेयर होते हैं कुर्ती वगैरह और साड़ी पहन रहे ये सब चीज़ें तो उसके साथ अच्छी लगती है। अब मैं सोच रही हूँ यार अभी कुछ ना करूँ क्योंकि खाना जो है मैं थोड़ी लेट ही खाऊँगी, आज 2 बजे तक खाऊँगी क्योंकि सुबह मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा खासा, तो थोड़ी देर बाद ही मैं लंच करूँगी, जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और रेस्ट करूँगी फिर उसके बाद उठती हूँ, फिर देखती हूँ क्या है।
फोटोग्राफर मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, लेट्स सी कि मैं उसे कैमरे में मतलब मैं शूट में ले पाती हूँ या नहीं, थोड़े टाइम के लिए आएगी तो वही है, इसलिए मैं अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बाद में उठेंगे 5 बजे के करीब में, फिर उसके बाद आके देखेंगे। आज आंटी को मैंने बोला है शाम को आ जाना, क्योंकि कल आंटी आ नहीं पाई थी, कुछ उनकी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मैं गुस्से में बहुत थी आंटी को बोलने के, लेकिन उन्होंने जब बोला ये प्रॉब्लम थी, मैं कहा नहीं यार वो भी तो इंसान है, उनके भी तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, जैसे हम लोग इतनी गर्मी है आना जाना करते, तो उसमें मैंने उन्हें बोला आराम से 6:30-7 तक आना, जब तक थोड़ी धूप कम हो जाती है, इतनी जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेकिन आ जाना प्लीज़, थोड़ी देर के लिए आना लेकिन आ जाना। और फेस पे मैंने अगेन अपना पैक अप्लाई किया था जो मैंने आपको बताया था जो इसका, तो वो मैं ऑल्टरनेट डेज कर रही हूँ, उसका रिजल्ट जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मेरे जो ब्लेमिशेज है बहुत काफ़ी हल्के हो रहे हैं और आप लोगों को भी दिख रहे होंगे, और ये पिंपल भी हल्का हो रहा है क्योंकि मैं इसमें अगेन वही क्लियर जेल यूज़ कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। दाल भिगा देती हूँ क्योंकि मम्मी भी आने वाली है आज, तो शायद 7-8 बजे तक या 9 बजे तक मम्मी पहुँचेगी। तो ये मैंने दाल भिगाई है, माँ की दाल जिसे बोलते हैं हम, दाल मखनी वाली जो दाल होती है काली वाली, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ और इसके बाद इसको रख दूँगी मैं। मैंने मटर पनीर आपको दिखाया था तो आपने कॉमेंट किया था एक ही, मटर पनीर मेरा फेवरेट है, नाम मुझे सॉरी याद नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी दाल चढ़ा देते क्योंकि पहले 1 सीटी आएगी, उसके बाद फिर आंच कम करके फिर मैं 5-6 सीटी और मारूंगी, क्योंकि इस दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैंने 5 बजे से थोड़ा सा पहले इसको भिगा दिया था पानी में, क्योंकि थोड़ा भिगाना भी ज़रूरी है। और बाकी आंटी आएगी तो उन्हीं से करवाना है, थोड़ा सा आटा वगैरह जो भी है सब्जी वगैरह कटवा लेंगे। तो यही चल रहा है अभी, और नींद तो बिल्कुल भी नहीं आई मुझे, फिर मैं सोचा चलो अपना मुंह धो लेती हूँ, मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो के अच्छा लगता है, बाकी कपड़े वगैरह भी उठा लेती हूँ बाहर से, थोड़े फोल्ड वगैरह कर देगी। गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी ने जान ले रखी है, मतलब घर के अंदर तो हमें इतना नहीं पता चल रहा जितना बाहर पता चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली बालकनी में आके शूट करो तो लोग, ऐसा तो अभी कोई बालकनी में नहीं होगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इतनी गर्मी में कोई बालकनी में आए, लेकिन गर्मी बहुत है। और मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ ना, तो मुझे कैमरा थोड़ा इधर उधर हिल रहा होगा, तो बात ये है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, और अब पूरा जून यही हाल रहने वाला है, तो बहुत मुश्किल है यार। इवन मम्मी भी जयपुर गई है तो वो बता रही थी, और वहाँ तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है, तो जितना दिल्ली में टेम्परेचर है उतना ही जयपुर में भी है, तो बड़ी मुसीबत है। मेरी मम्मी का कॉल आ गया, चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। तो दाल बन गई है और हम वेट कर रहे हैं मम्मी का, मम्मी शायद 1-1.5 घंटे में आएगी तो, और वरुण भी ऑफिस से आ गया तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं एंड किया जाए, और आपको दाल की फ़ोटो भेजूंगी मैं, इसमें फ़ोटो आ जाएगी आपको स्क्रीन में। बाकी आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि मेरे को उस वायरनो में वीडियो अपलोड हो गई है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।